ये इमेज है आविष्कार नाम के हाइपर लूप प्रोटोटाइप की। इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है IIT मद्रास के एक टीम ने। इन्होंने इस प्रोजेक्ट का पहला प्रोटोटाइप रेडी किया और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। ये न्यूज इतनी खास थी कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ट्वीट करके टीम आविष्कार को बधाई दी। तो आखिर ये प्रोजेक्ट इतना खास क्यों है इंडिया के लिए? इसमें इलोन मस्क का क्या रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, हमें कब चेन्नई से बेंगलोर सिर्फ 25 मिनट में ट्रेवल करने का मौका मिलेगा? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझते हैं इस पूरे इवेंट के बारे में जिसकी वजह से इतनी बड़ी खबर बनी। तो सितंबर के लास्ट वीक में IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने एक हाइपरलूप पोर्ट का प्रोटोटाइप बनाया और उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। हालांकि यह अभी स्केल में बहुत छोटा है, यह इस प्रोजेक्ट की पहली सबसे बड़ी कामयाबी है अभी तक। ये पहला प्रोटोटाइप है, इससे यह पता चला कि जो भी अभी तक R&D में मेहनत की थी वो सफल रही है। ये एक पहली और बड़ी सफलता है। निर्मला सीतारमन जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने खुद ट्वीट करके पूरी टीम को बधाई दी। फिलहाल ये प्रोजेक्ट अभी अपने इनिशियल टेस्टिंग फेज में है। एक छोटे स्केल का मॉडल है जिसकी लेंथ 4 मीटर की है और इसका वेट 150 किलोग्राम के लगभग है। इसको पावर देने के लिए लीनियर इलेक्ट्रिक मोटर का यूज किया गया है जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जा सकती है। अभी आप स्पीड पे ज्यादा ध्यान मत देना क्योंकि ये एक छोटा सा प्रोटोटाइप है। जब ये फुल स्केल का प्रोटोटाइप तैयार करेंगे तो वो 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को टच करेगी। तो जो टेस्टिंग थी, इसके लिए इन्होंने कैंपस में ही 100 मीटर का एक ट्यूब टनल ट्रैक का निर्माण किया था। वैसे एक चीज ध्यान देने वाली है, इस हाइपरलूप पोर्ट को पार्शियल वैक्यूम ट्यूब में टेस्ट किया गया, यहाँ पे फुल वैक्यूम में इसको टेस्ट नहीं किया गया। इसके पीछे कुछ रीजन है। सबसे पहला रीजन है सेफ्टी का। यह पहली बार था जब ये टीम इस टाइप का कुछ टेस्ट कर रही थी। इनको पूरा आइडिया नहीं था फुल वैक्यूम में ये किस तरह से परफॉर्म करेगा, और इसको जानने के लिए अभी बहुत कम डेटा मौजूद है, तो इसकी वजह से बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। इसी रीजन की वजह से इसको पार्शियल वैक्यूम ट्यूब में टेस्ट किया गया सबसे पहले। दूसरा रीजन था कॉस्ट। फुल वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए इनको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता और इनके पास अभी लिमिटेड बजट है, स्पेशल इक्विपमेंट और काफी ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत पड़ती, तो फाइनेंशियल तौर पे ये सही नहीं लगा स्टूडेंट्स के लिए। अब यहाँ सबसे पहला रीजन ही काफी है इसको पार्शियल वैक्यूम एनवायरनमेंट में टेस्ट करने के लिए, वो है सेफ्टी का। अब यहाँ हाइपरलूप की स्पीड का राज यही है वैक्यूम ट्यूब। यहाँ एयर की कोई भी मौजूदगी नहीं होती तो इससे रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाता है, लेकिन अभी इसको लार्ज स्केल पे टेस्ट नहीं किया गया, इसीलिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा इतनी स्पीड के साथ उसका कोई खास डेटा मौजूद नहीं है। अब हम समझते हैं ये प्रोजेक्ट और टीम इतनी खास क्यों है। देखो, कोई भी प्रोजेक्ट हो इस टाइप का, उसके लिए एक बेहतरीन टीम की जरूरत होती है। इस प्रोजेक्ट के लिए देश के कुछ सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रोफेसर्स भी शामिल हैं। टीम आविष्कार में कुल 50 लोग हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ सभी टीम्स मेंबर्स का नाम मेंशन किया गया है और इनका रोल क्या है उसको भी बताया गया है। यहाँ सबसे पहले देश के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी नजर आ रहे हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ टीम का टैलेंट, मेहनत और इनके ऊपर भरोसे की वजह से इंडियन रेलवे फंड कर रही है इस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा L&T जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट को बैक कर रही है। फिर यहाँ टाटा स्टील भी शामिल है, यानी यहाँ इस टीम के पास अभी वो सब कुछ मौजूद है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए चाहिए। गवर्नमेंट का सपोर्ट तो सबसे बेहतर है, इसीलिए यहाँ स्टार्टिंग में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का नाम मेंशन किया गया है। अब यहाँ इलोन मस्क का नाम कैसे आया? वेल, ये सब इलोन मस्क की वजह से ही हो रहा है। इलोन मस्क की एक कंपनी है SpaceX, जिसको आप सब जानते होंगे। 2015 को SpaceX ने स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर के लिए एक कंपटीशन रखा हाइपरलूप पोर्ट का निर्माण करना, सब स्केल मॉडल का, जो वैक्यूम ट्यूब में 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ चले। अब यहाँ कंपटीशन का ऐलान है तो कुछ इनाम भी होगा। हाँ, यहाँ पे इनाम भी है। यहाँ दुनिया भर की top 3 टीम्स को चुना जाएगा और थर्ड प्लेस वाली टीम को $20,000 दिए जाएंगे, सेकंड प्लेस वाली टीम को $30,000 दिए जाएंगे और जो फर्स्ट प्लेस वाली टीम होगी उसको $50,000 दिए जाएंगे। इसके अलावा SpaceX के टेस्ट साइट पे इनको अपने फुल स्केल प्रोटोटाइप को टेस्ट करने का मौका भी मिलेगा। ये कंपटीशन काफी ज्यादा सक्सेस रहा क्योंकि यहाँ दुनिया भर से 1600 टीम्स ने इसमें भाग लिया 2015 से 2019 के बीच, और इसमें भारत से सिर्फ एक टीम सिलेक्ट हुई। ये टीम थी टीम आविष्कार, IIT मद्रास की टीम। इसके अलावा और भी IITs ने अपने टीम को भेजा था, लेकिन यहाँ सिलेक्शन सिर्फ IIT मद्रास का हुआ। 2019 में टीम आविष्कार सिर्फ इंडियन नहीं बल्कि पूरे एशिया की इकलौती टीम थी जिसने इस कंपटीशन में भाग लिया और सेकंड प्लेस पे अपने आप को लेकर गए। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इंडिया के लिए।
2019 के बाद से SpaceX ने इस कंपटीशन को रोक रखा है। अभी फिलहाल कुछ अपडेट नहीं है इसके ऊपर, बट ये इतना पॉपुलर हुआ कि जो बाकी कंपनियां हैं इस फील्ड में वो भी खुद का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रही हैं। जैसे वर्जिन हाइपरलूप ने एक कंपटीशन रखा है स्टूडेंट्स इंजीनियर्स के लिए खुद का हाइपरलूप पोर्ट डिजाइन करने के लिए। जो टीम जीतेगी उसको प्राइज भी मिलेगा और इसके अलावा वर्जिन हाइपरलूप के साथ काम करने का मौका भी। सो अभी के टाइम इंडिया की टीम आविष्कार हाइपरलूप पोर्ट के लिए काफी ज्यादा एडवांसमेंट कर चुकी है। इनके पास एक बेहतरीन टीम है और देश की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों का सपोर्ट भी। इसके अलावा इंडियन रेलवे का भी सपोर्ट है। अब सवाल आता है आगे क्या होगा, इनका फ्यूचर प्लान क्या है। वेल, इस सफलता के बाद ये टीम बहुत ही ज्यादा खुश है। टीम आविष्कार IIT मद्रास के साथ मिलकर खुद का एक ग्लोबल कंपटीशन होस्ट करने वाली है 2024 में। यहाँ पे 1 किलोमीटर का टेस्ट ट्यूब ट्रैक बिल्ड किया जाएगा और यहीं पे दुनिया भर की टीम अपने हाइपरलूप पोर्ट डिजाइन को टेस्ट करेंगी और यहाँ फुली वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा ताकि इसको फुल स्पीड के साथ टेस्ट किया जा सके। कंपटीशन को 2 स्टेज पे किया जाएगा। पहले तो इनको अपने डिजाइन सबमिट करने होंगे जजेस को, फिर जजेस टॉप टीम्स को चुनेगी जो अपने पोर्ट को इस वैक्यूम ट्यूब में रन करेंगी। इन सभी में सबसे ज्यादा एडवांसमेंट हुई है टीम इंडिया की, यानी टीम आविष्कार। इस तरह के कंपटीशन से भारत की दुनिया में एक अलग देश के रूप में पहचान होगी जो अब इनोवेशन पे फोकस कर रहा है। टीम आविष्कार अभी के टाइम अपने फुल स्केल मॉडल पे काम कर रही है। इनके टीम मेंबर का कहना है ये लोग 2030 तक एक फुल स्केल प्रोटोटाइप मॉडल को तैयार कर लेंगे। 2035 तक इनका ड्रीम है चेन्नई से बैंगलोर सिर्फ 25 मिनट में। जो सपोर्ट इनको मिल रहा है और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं उससे हमें यही लगता है कि ये टीम जरूर सफल होगी और इंडिया वो देश बन जाएगा जो खुद का हाइपरलूप बिल्ड कर चुका हो। यहाँ पे टीम आविष्कार का कहना है इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन होगी बल्कि इससे हमें स्पीड मिलेगी और ये काफी चीप भी होगा एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अब सवाल आता है जो हम बुलेट ट्रेन का नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं उसका क्या होगा, क्या उसकी कोई जरूरत नहीं होगी। वेल, अभी फिलहाल हाइपरलूप की सफलता के बारे में बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इसका अभी कहीं पे भी यूज नहीं है एज ए लार्ज स्केल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट मोड। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी अपने डेवलपिंग स्टेज पे है। इवन वर्जिन हाइपरलूप भी इसका कोई कस्टमर नहीं ढूंढ पाई अभी तक। इंडिया से बात चल रही थी और बात काफी आगे भी बढ़ चुकी थी बट इसको अब बंद कर दिया गया है। जिस रूट पर हाइपरलूप को बिल्ड किया जाना था अब वहाँ बुलेट ट्रेन का निर्माण होगा। इवन UAE जो काफी ज्यादा जाना जाता है ऐसी नई टेक्नोलॉजी को अपने देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट ये देश भी इसमें कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। इसके पीछे की वजह है कॉस्ट और सेफ्टी। अगर इसको बिल्ड करना है तो बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट तो रखना होगा और रही बात सेफ्टी की तो इसका कोई अभी लार्ज स्केल पे टेस्ट नहीं हुआ है। इसीलिए सेफ्टी का एक चैलेंज तो होगा अभी फिलहाल, क्योंकि इसको 1200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ वैक्यूम एनवायरनमेंट में चलाया जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा पैसेंजर्स पे और पोर्ट पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, इसका कुछ खास डेटा मौजूद नहीं है हमारे पास। और सबसे बड़ा रीजन है कमर्शियल इम्पैक्ट, क्या यह फीजिबल होगा। जो भी हो बट धीरे धीरे सारे रास्ते निकल आते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रहती है वैसे वैसे हर चीज का रास्ता निकल आता है। ये चीज हम पास्ट में भी देख चुके हैं, कुछ भी नया आता है तो उसके पीछे कुछ चिंताएं भी होती है, बट अब वही सब चीजें आज दुनिया को रन कर रही है। होप की टीम आविष्कार इसमें सफल होगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब।